न्यू शकील काइट क्लब का ये छोटा सा मेंबर जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। दोस्तों ये निहाल काइट क्लब के मेंबर है और ये देखिए पतंगबाजी का जज्बा, ये देखिए। तो आज हमारे साथ है फैसल भाई। फैसल भाई बहुत बड़ा नाम है पतंगबाजी में, इसलिए है क्योंकि एक्सीडेंट चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने But it's topic, trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different दोस्तों पे सही है, ऊपर वाला जो है वो लेफ्ट साइड से है, और ये देखिए ऊपर वाले बिल्कुल जो है यहाँ मुड है क्रो का, और ये देखिए पूरा बाहर की ओर खींचा और यहाँ पे पतंग उसने हल्की से रोक ली, और देखिए पेज फिर चक्करों पे आ चुकी है, चक्कर ऊपर वाले की, हालांकि पतंग जो है हल्की पड़ रही थी, और देखिए जैसा कि मैंने बोला ऊपर वाली पतंग हल्की पड़ रही थी और वो कट गई, तो अच्छा चक्करों पे पेच काट दिया चले ने। दोस्तों पेच सही हो चुका है, जो नीचे से आप पतंग देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से है, ऊपर वाली राइट साइड से है, पेच सही है, और नीचे वाली पतंग थोड़ी सी कम है, हालांकि नीचे वाले जो है थोड़ा सा दबा लिया उन्होंने पतंग अपनी, नीचे नीचे पेच लड़ रही है और कोई कट काट नहीं हुई, और ऊपर वाले ने देखिए बाहर का पूरा मारा है, और ये देखिए नीचे वाले ने फिर वही अंदर की ओर दिखाया, हालांकि फिर पेच चक्करों पे आ चुकी है, पेच चक्करों पे आ चुकी, और ये देखिए नीचे वाले ने कि पतंग कट गई, बहुत शानदार पेच काटी चक्करों पे ऊपर वाले ने, पेच सही हो चुका है, नीचे वाले जो है अंदर की ओर भरते हुए, और ऊपर वाले थोड़ा सा अंदर आते हुए, हालांकि नीचे वाले ने पेज सही हो चुका है, फिर से पीछे से बताया जा रहा है पेज सही है, हालांकि रेंज थोड़ी कम होती चली जा रही है, और ये ऊपर वाले ने मुद्दा रखा थोड़ा सा अंदर की ओर, ऊपर वाली पेज पतंग आती हुई, देखिए यहाँ पे बना है और यहाँ पे रोक के पूरा ताकत से मारा है, और नीचे वाले ने पूरी देखिए अंदर खींच के बहुत शानदार पेज काटी, पेज सही हो चुका है, जो नीचे से है वो लेफ्ट साइड से है, जो ऊपर से वो राइट साइड से है, और ऊपर वाले जो है कमर पे अंदर चलते चले आ रहे हैं, चलते चले आ रहे हैं, और यहाँ पे लाके रोका उन्होंने अपनी पतंग को, और नीचे वाले ने भी थोड़ी अपनी पतंग कम कर ली है, हालांकि जब आपको कमर पे चढ़ता है तो आप इतना जोर समेटना चाहते हैं, पेज कैंसिल हो गई, पेज कैंसिल करा दी। तो आज है दूसरा दिन संगम का टूर्नामेंट का प्रयागराज अरैल से, तो आज हम जानेंगे कौन कौन सी टीमें आज लड़ा रही हैं, किसके खिलाफ लड़ा रही हैं, और टॉस किसने जीता, तो आइए अपडेट लेते हैं वसीम भाई से। वसीम भाई जी, थोड़ा सा सेकंड दिन का अपडेट दीजिए, कौन सी टीम किसके खिलाफ लड़ा रही है और किसने क्या टॉस जीता है। आज हमारे सेकंड राउंड में पहली टीम है हिंदुस्तान काइट क्लब जो टॉस जीता है जी, और दूसरी टीम उनका मैच जिससे है R15 से, R15 टॉस हारा है R15, ठीक है। तीसरी टीम है जान काइट क्लब, जान काइट क्लब, और उनका मैच है 7 स्टार से। अच्छा, और पांचवी टीम है आप बता रहे हैं न्यू शकील जिनका मैच है निहाल काइट क्लब से, निहाल का तीन टीमें हैं और 6 मैच होंगे, यानी 6 मैच जैसा कल था, कल था। आज एक टीम कम करी, आज एक टीम, कल चार थी, आज तीन है, तीन। एक साहब बीमार हो गए जिनकी वजह से उनका मैच आगे बढ़ा दिया गया। अच्छा अच्छा, तो ये थी आज की अपडेट दूसरे दिन की, बाकी आपको पेचो पे ले जाते हैं, और बाकी चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा काइट बाजी बाय AGS। पेच सही हो चुका है, जो नीचे से है वो राइट साइड से है, जो ऊपर से है वो लेफ्ट साइड से है, हवा बहुत प्यारी चल रही है, पतंग 5-550 गज पे लड़ रही है, नीचे वाला जो है थोड़ी सी उनकी पतंग कम पे है, हालांकि ये पेज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फंसा के ही लड़ाने के ही मूड में है, और अंदर नीचे वाले अंदर चलते हुए और यहाँ पे पेज जो है यहाँ पे रोकी है, और ऊपर वाले ने देख पतंग, और नीचे वाले बाहर का पूरा खींचा है, और ये देखिए दोनों पतंग कट गई, और ये पेज हो गई बराबर का पेज हो गया, ये सही हो चुका है, जो नीचे से है वो
राइट साइड से है और जो ऊपर से वो लेफ्ट साइड से, और ये देखिए बिल्कुल जो है पेज डबल हो गया, पेज डबल हो, बहुत जल्दी पेज डबल करा है, थपकियों पे पेज चल रही है, चक्करों पे आ चुकी है, अभी तक कोई कटकाट नहीं हुई है। और ये देखिए बहुत शानदार पेज काटा दोस्तों, पेज सही हो चुका है, जो नीचे से है वो है लेफ्ट साइड से, और ये देखिए तुरंत जो है ऊपर वाले ने एक मुड्ढा मारा और अपनी पतंग रोक ली, और ये देखिए नीचे वाले ने पूरा बाहर की तरफ मारा और ऊपर वाले ने भी बाहर की तरफ मारा, और ये देखिए दोनों ने क्रॉस अपने मारी बाहर की ओर और ऊपर वाले की पेच कट गई, बहुत शानदार पेच कटा नीचे वाले ने खींच के बल पे। पेच सही हो चुका है, जो नीचे से है वो लेफ्ट साइड से है और जो ऊपर से पतंग आप देख रहे हैं वो राइट साइड से है। ऊपर वाले ने देखिए मुड्ढा रखा और थोड़ा सा अंदर चलते हुए नीचे वाले ने थोड़ी सी अंदर की है पतंग, और ये देखिए अंदर की ओर पूरी नीचे वाला खींचता गया, और ये देखिए ऊपर वाले ने हल्की सी थपक में रखी है पतंग, और ये देखिए फिर पेच जो है चक्करों पे आ गई है, चक्करों पे आ गई है पेच, और ये देखिए अभी तक कोई कटकाटी, और ये देखिए ऊपर वाली पतंग कट गई। पेच सही हो चुकी है, जो नीचे से है वो लेफ्ट साइड से है और ऊपर से जो वो राइट साइड से है। हवा थोड़ी सी और बढ़ गई है, 17-18 की हवा हो गई है, और ये देखिए नीचे वाले ने जो मुड्ढा बना एक बार, और ये देखिए अंदर की ओर मारा है, ये देखिए ऊपर वाले ने जो थपक के अंदर रखी और नीचे वाले ने पूरी अंदर खींचा है, अभी कोई कटकाट नहीं हुई है, ये देखिए कोई कटकाट नहीं हुई अभी, और ये देखिए नीचे अब पेच पड़ गई है, और ये देखिए दोनों पतंगे जो है फंस गई हैं, और अब देखिए चक्करों पे पतंगे चले, और ये देखिए ऊपर वाले की पतंग कट गई, बहुत अच्छा पेच काटा नीचे वाले ने। तो दोस्तों आज हमारे साथ हैं फैसल भाई, फैसल भाई बहुत बड़ा नाम है पतंगबाजी में, वो इसलिए है क्योंकि एक एक्सीडेंट में इनके दोनों हाथ चले गए थे, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने पतंगबाजी का शौक बिल्कुल कम नहीं किया, आज भी इनसे दूर की पतंग कोई नहीं लड़ा सकता पूरे प्रयागराज में, फैसल भाई वो नाम है, और इसलिए सबसे बड़ा नाम है कि वो उन लड़कों के लिए सबक है जिनके दोनों हाथ है, पैर है, सब सही सलामत है, फिर भी वो धूप में निकलना नहीं चाहते, बाहर घर से निकलना नहीं चाहते, पतंगबाजी को कुछ और ही समझते हैं, लेकिन भाई ने इस पतंगबाजी के शौक को ज़िंदा रखा, और ये बहुत बड़ी प्रेरणा है उन लोगों के लिए जो धूप बरसात गर्मी और घर में बैठ के जो है ठंडी हवाओं का मज़ा लेते हैं गर्मी में, और फैसल भाई उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। तो फैसल भाई कुछ कहना चाहते हैं हमारी पीढ़ी के लिए जो हाथ पैर होते हुए भी एक बहाना ढूंढती है, बच्चे हैं निकले घर के बाहर जी, बाकी तो। और ये कितने साल पहले ये हादसा हुआ था और कितने साल से आपने ये जारी रखा है? 25 साल हो चुका है एक्सीडेंट हुए, 25 साल हो चुके एक्सीडेंट हुए, और 25 साल से शौक आपने छोड़ा नहीं, नहीं छोड़ा आपने। तो ये देखिए शौक पतंगबाजी ऐसी चीज है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा निहाल भाई का मैंने केस दिखा, और अभी हमारे साथ फैसल भाई है जो उनसे भी बड़ी एक प्रेरणा हमारे लिए, तो ऐसे पतंगबाजों को शत शत नमन है कि पतंगबाजी को यही सब हमारी प्रेरणा है कि पतंगबाजी को बढ़ाए रखिए, प्रयागराज का नाम ऊपर करिए और पतंग लड़ाते रहिए, कोई बहाना नहीं, कोई कुछ नहीं, गर्मी बरसात ठंडी ये सब चलता रहता है, मौसम साल में 4 मौसमें होती है, मौसम आप देखोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो फैसल भाई की तरह देखिए हमेशा डटे रहिए मैदान पे और पतंग लड़ाते रहिए, ठीक है फैसल भाई, धन्यवाद भाई। आपके ही नाम से एक पूरी टीम है निहाल, आप ही हैं निहाल, तो आप कितने साल से पतंगबाजी कर रहे भैया? 5 साल से। शौक तो बचपन से है लेकिन 5 साल से प्रोफेशनली कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी टीम में कौन कौन से मेंबर है जो लड़ा रहे हैं इस टाइम? गोलू हैं और मेहताब। गोलू मेहताब और आप निहाल भाई। अच्छा, तो आपका अभी क्या स्कोर चल रहा है? हमने 2 काटी है और अभी तीसरी पतंग कट गई। आपकी अभी हमने लास्ट पेज देखी, आप जो सर्कल में स्कूटी पर रख के, मतलब कि ऐसा बहुत एक्सेप्शनल देखने को मिलता है दुनिया में कि इस जज्बे के साथ आदमी पतंगबाजी करे, जिनके हाथ पैर सलामत है वो एफर्ट नहीं डालना चाहते, लेकिन अगर आपको भाई एफर्ट देखे, मतलब इतना मजा आया कि भाई रियली रिस्पेक्टिव भाई, कसम से बहुत मजा आया भाई से मिलके। 2 काटी भी हैं। हाँ वही कह रहे हैं, 2 काटी भी है और फंसा के ही लड़ा रहे हैं क्योंकि खींचतान में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती होगी, टेक्निकल भी लड़ा लेते हैं और फंसा के, ये 2 पेज आपके मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होगी।
तो ये थे निहाल काट के मेंबर। और आखिर स्कोर क्या है एक बार बता दीजिए। दो पे दो काटा है, तीन पे दो, सात सात दो अभी, सात दो का स्कोर। तो एंड में देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। और भाई का एफर्ट देख के, भाई साहब जो भी घर में बैठ के जो मोबाइल लैपटॉप में अपने मरे रहते हैं और जो शारीरिक गतिविधियों से दूर है, भाई को एक बार देखे शायद आपकी आंख खुलेगी। हम व्हील चेयर क्रिकेटर भी हैं। और ये क्रिकेट है, व्हील चेयर क्रिकेटर इंडिया, व्हील चेयर क्रिकेटर भी हैं। ये देखिए व्हील चेयर क्रिकेटर भी हैं और पतंगबाज भी हैं। ऑल इंडिया भी इन्होंने लड़ाई है। तो फिर से एक बार भाई आपसे बहुत मिलकर खुशी हुई। ये सही हो चुका है, जो नीचे से है वो लेफ्ट साइड से है और जब ऊपर से पतंग देख रहे हैं वो राइट साइड से है। 15-16 की बहुत अच्छी हवा आ चुकी है। 500 मीटर पे ये पतंग लड़ रही है, हालांकि इसे नीचे जो है पतंग नहीं मना किया गया है। 500 से 1000 गज के बीच लड़ती है पतंग। और ये देखिए नीचे वाले थोड़ा सा अंदर आते हुए पतंग को अपने दोनों चलाते हुए। और ये देखिए ऊपर वाले ने ये बड़ी ताकत से मारा और देखिए, और ये देखिए डोर फंस गई है। और ये देखिए पतंग जो है चक्करों पे आ गई है, चक्करों पे पेच चल रही है। और ये देखिए ऊपर वाले ने देखिए चक्करों पे अपनी पतंग उठाने की कोशिश की। और ये देखिए कोई कटकाट नहीं हुई है, कोई कटकाट नहीं हुई, पेच कैंसिल हो गई है। ये देखिए आया है, ये हमारे शकील काइट क्लब का छोटा सा मेंबर है, न्यू शकील काइट क्लब का ये छोटा सा मेंबर, जिसकी उम्र मात्र 15 साल है। 15 साल की उम्र में देखिए कितना प्यारा जज्बा है इस लड़के का कि टीम को सपोर्ट करने आया, जो भी आगे पीछे हेल्प होती है सब में ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हेल्प करता है। और इसकी देख उम्र मात्र 15 साल है। 15 साल की उम्र में कोई लड़का समझ भी नहीं पाता कि पतंगबाजी होती क्या है। उस उम्र में ये टूर्नामेंट में पूरी चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा है अपनी टीम के लिए। तो जो भी बच्चे घर में बैठे कैद हैं जिन्हें पतंगबाजी नहीं पता, उस लड़के से सीखे पतंगबाजी का जज्बा होता क्या है। बहुत क्या नाम है बेटा आपका? राजी। इसका नाम है राजी। तो राजी से इंस्पायर हो बाकी बच्चे जो भी 15-16-20 साल के हो। ये सही हो चुका है, जो नीचे से आप पतंग देख रहे हैं वो राइट साइड से है और जो ऊपर से देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से। ये देखिए नीचे वाले ने जो है झोल एक बार समेटा और नीचे ऊपर वाले ने एक बार अपना मुड्ढा रखा है और ज्यादा कुछ हरकत नहीं हो रही है, आराम से पतंग चलाई जा रही है। और नीचे वाले ने एक बार जो है थोड़ी सी झोल टाइट करके ऊपर खींचने की बार शायद कोशिश की। और ये देखिए ऊपर वाले ने एक बार अंदर की साइड मुड्ढा रखा और ये बाहर खींच के बहुत प्यारा पेच काटा, बहुत ही प्यारा उम्दा पेच काटा। सीखते रहिए दोस्तों। राइट साइड से जो ऊपर से वो लेफ्ट साइड से है। नीचे वाले की पतंग थोड़ी सी कम है, हालांकि हवा जो है 15-16 की आ चुकी है, बहुत बेहतरीन हवा लग गई है। और ऊपर वाले ने देखिए मुड्ढा अंदर रखा, पेच फिर से एक बार सही हो गई है। नीचे वाले जो है अपनी पतंग को बहुत ज्यादा हवा में नहीं रख रहे हैं, अब उन्होंने थोड़ी सी पतंग अपनी चढ़ाई है। और अब ऊपर वाले ने देखिए थोड़ा सा अंदर कमर में चढ़े हैं, ये मुड्ढा रखा और यह बनाया और कोई कटकाट नहीं हुई है। थोड़ा सा और अंदर चढ़ते हुए और अंदर चढ़ते हुए चले थोड़ी सी अपनी पतंग हवा में करके चढ़ा के रखी। और ये देखिए ऊपर वाला नीचे मुड्ढा बना और ये बाहर वाले ने देखिए पूरा भाग के तक मारते मारते मारते। और ये देखिए अब जाके ऊपर वाले की पतंग कटी है बहुत देर बाद, बहुत अच्छा पेच काटा नीचे वाले। चलते हैं अपने अगले पेच की ओर। पेच सही हो चुका है, जो नीचे से है वो राइट साइड से है, जो ऊपर देख रहे हैं वो लेफ्ट साइड से है। पेज फिर से सही करा दिए गए एक बार फिर से। और ऊपर वाले ने देखिए मुड्ढा नीचे रखा और नीचे वाले ने थोड़ी सी अपनी पतंग गिराई और ये देखिए नीचे वाले ने थोड़ा अंदर की दौड़ मारा और ये देखिए पट पे बिल्कुल आ गई है पतंग, काफ़ी नीचे आ गई है पतंग। और फिर से नीचे वाले ने एक बार खींचने की कोशिश की और ये देखिए पूरा खींच के काट दिया, बहुत ही प्यारा पेज काट दिया। न्यू शकील तो आपकी तरफ से कौन कौन प्लेयर लड़ा रहे हैं? हमारी तरफ से मोहम्मद इरफान और
भैया भाई हमारे, अच्छा, जो कि एज ए कैप्टन है, और मुस्तफा भाई, अच्छा, और बाकी मैच बाकी सारे मेंबर्स हैं आपके टीम के। तो किसके खिलाफ लड़ रहा है आपका? हमारा मैच लड़ रहा है निहाल काइट क्लब अगेंस्ट। निहाल काइट क्लब, अच्छा। टॉस किसने जीता? टॉस उन्होंने जीता, उन्होंने जीता। अच्छा, पीछे का पेज मिला आपको? जी जी, हमको ऊपर का पेज मिला। चलिए ठीक है, अभी तो दिन का, जी जी अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो बिगिनिंग है, अभी तो रिजल्ट कुछ और ही होगा रात तक, वो तो इंशाल्लाह खैर करे। ऑल द बेस्ट, चलिए, थैंक यू सो मच, जीत के आइएगा इंशाल्लाह। देखिए क्रॉस हो गई है, अब थपकियों पे पेच चल रही है, चक्करों पे आ गई है पेच, और ये देखिए बहुत प्यारा काटा पेच ऊपर वाले ने। दोस्तों जो ऊपर से पतंग है वो लेफ्ट साइड से है, नीचे से वाला राइट साइड से है, और पेच सही हो चुकी है, और नीचे वाले ने अंदर मुड्ढा भरते हुए, और ये देखिए हल्का सा झोल छोड़ा अपना, और देखिए ऊपर वाले ने बिल्कुल जो ताकत बना के बिल्कुल बाहर की तरफ से मारा है, बिल्कुल देखिए बाहर तक चला गया, अंदर वाला देखिए पतंग अपनी चला रहा है, और ये देखिए चलाते चलाते चलाते, ये देखिए बहुत प्यारी पेच काटी। नीचे वाले ने सिर्फ अपनी पतंगों को सिर्फ चलाता रहा चलाता रहा, ऊपर वाले ने सिर्फ बना के गद्दा मारा, और उसी में उसकी पतंग झोल खा के चली गई। नीचे से है निहाल काइट क्लब के मेंबर, और ऊपर से है न्यू शकील। दोस्तों निहाल वाले मेंबर अंदर घुसते हुए, और जो न्यू शकील है थोड़ा सा अपना मुड्ढा उन्होंने अपना रखा, और ये जो है निहाल काइट क्लब के मेंबर ने ये पट मारा उसी के साथ, लेकिन कोई कटकाट अभी नहीं हुई है। पतंग की रेंज करीब 500 मीटर है, ये ऊपर शकील काइट क्लब के मेंबर ने बाहर का गद्दा मारा, और ये देखिए बाहर पूरी खींच ताकत से खींचते हुए चले जा रहे दोनों मेंबर, और ये देखिए बहुत प्यारा पेच काट दिया न्यू शकील के मेंबर ने निहाल काइट क्लब के मेंबर को। तो पेच सही हो चुकी है, जो लेफ्ट साइड दिख रही वो नीचे से है, राइट साइड वाली ऊपर से, पेस सही है। ऊपर वाले ने देखी मुंडा अपना अंदर रखा, और नीचे वाले ने देखी बाहर खींचने कोशिश की, और वो कट गया। संगम काइट टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, और ये हम फाइनल अपडेट लेने जा रहे हैं वसीम भाई से। वसीम भाई बताइए फाइनल अपडेट क्या है? दूसरा राउंड संगम कप काइट टूर्नामेंट का लड़ रहा, जिसमें पहली टीम हिंदुस्तान विजय हुई है जी। जिसका मैच R15 से था जी, 9x5 यानी 9 पेज काटा है और 5 कटे हैं हिंदुस्तान वाले, ठीक है। दूसरा मैच अभी लड़ रहा है जान काइट क्लब, जिनका स्कोर जो है 5-6 और 6-6 बराबर चल रहा है। 6-6 बराबर चल रहा है, और कौन कौन डिस्क्वालीफाई? 6-7 का स्कोर है, और क्वालिफाई कर रही जान अभी आगे चल रही है। अच्छा, और एक टीम और थी न्यू शकील, न्यू शकील जो न्यू शकील ने 8 पेज काटी हुई है, ये भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई करने वाली है। हाँ, पहुंच जाएगी सेकंड राउंड में, और हिंदुस्तान भी क्वालिफाई कर गई, हिंदुस्तान भी क्वालिफाई कर गई, न्यू शकील भी। डिस्क्वालीफाई कौन हुई है? डिस्क्वालीफाई हुई है आपके सामने बताया R15 डिस्क्वालीफाई हुई। अभी दो बची हुई है टीम जो मैच लड़ रहा है। अच्छा अच्छा,